हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और अभी हम यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठे हैं नीचे और हम रावण बना रहे हैं। तो हमने रावण बनाना शुरू किया, हमें 3-4 दिन हो गए हैं अभी। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो रावण का मुंह, मतलब अभी पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन अभी हम कर रहे हैं कंप्लीट रावण को। तो यहाँ पे देखो देखो अर्णव को चोट भी लगी हुई है, फिर भी हम यहाँ पे रावण बना रहे हैं। और अर्णव को चोट लग गई थी, इसका पैर जल गया था, इसका ये गर्म बाइक ऐसे चल के आई थी पूरी और ये उसके ऊपर बैठ गया और सलेंसर पे पैर रखा गया, तो इसकी वजह से इसका पैर जल गया। और ये है रावण की टांगे, ये है रावण के हाथ, इसके साथ अभी ढाल है, तलवार अभी बाहर धूप में सूखने रखी हुई है। तो अभी जुड़ गए और हाँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये देखो इस बारी हमने थोड़ा अलग आइडिया यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने कलर कॉम्बिनेशन ये रखा है कि हाथ और पैर लाल होएंगे, धड़ जो है वो काला होएगा। और यहाँ पे आप ये मुंह देख सकते हो और ये अपनी लेवी। तो अभी हम बना रहे हैं बस, और पूरा सामान बिखरा हुआ है और बहुत मेहनत लग रही है। और यहाँ पर ये रावण के 10 मुंह रखे हुए हैं, ये देख रहे हो, ये इन पे अभी कलर नहीं हुआ, कलर कर देंगे। और आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है और बाहर अभी काम चल रहा है, ये देखो, पता नहीं, ये देख रहे हो, पता नहीं कुछ वाइट वाइट सा लगा दिया है यहाँ पे दरवाजों पे। आपने देखा होगा पहले दरवाजे कुछ ऐसे ऐसे हुए हुए थे धूप की वजह से, तो अब चिक लग गई है तो धूप तो नहीं आएगी, तो इसलिए दरवाजों पे भी नई पॉलिश करा रहे हैं। और गाइस अभी मैं रावण बनाता हूँ जल्दी से, अर्णव लगा पड़ा है रावण बनाने में। अर्णव चोट की वजह से चल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर आप अर्णव की चोट देख सकते हो। गाइस मैंने फोटो ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं दिखा दूंगा फिर यूट्यूब हमारी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा देगा, तो इसलिए मैंने अर्णव की चोट को ब्लर कर दिया है। और आज तो थोड़ा चल फिर भी पा रहा है लेकिन कल तो अर्णव चल भी नहीं पा रहा था, मतलब चल भी क्या, ये वॉशरूम करने तक भी नहीं उठ रहा था, ये बेड पे लेटा हुआ था कल सारे दिन। 2:10 हो गए हैं और अभी हम लंच करेंगे, और लंच में यहाँ पर राजमा चावल, तो अभी राजमा चावल खाते हैं। चलो हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट मंगाया, चैन मंगाई है हमने फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पर हमने 3 चैन मंगाई है। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे ये है, तो देखते हैं एक बारी। तो गाइस यहाँ पर ये देखो, ये है चैन, और ये देखो कैसी लग रही है कमेंट में बता देना। तो गाइस अभी मैंने स्कूल की छुट्टियों में
यहाँ पे बाइक चलानी सीख ली है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी शाम के 4:30 हो गया और अभी हम शेक पी रहे हैं, बॉर्नविटा शेक। और यहाँ पे मैं तो आज मिक्सर जार ही उठा के ले आया हूँ, मैं इसी में पीऊँगा। गाइस अभी शाम के 6 बज गए हैं और मैं थोड़ी देर बाहर गया था और अभी मैं आ चुका हूँ। और बाहर काफ़ी गर्मी हुई हुई है, तो यहाँ पे अभी मैं अंदर ही आ गया हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी है तो पसीना आ रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पर मम्मी गई थी एक कीर्तन में, तो यहाँ पे अभी मम्मी ये यहाँ पे प्रसाद में ये चुलाई की पट्टी लेके आई है, चिप्स और ये क्या बोलते हैं इनको, ये पता नहीं क्या है, और साथ में लाई है रोटी। तो गाइस अभी 8 बज गए हैं, तो अभी डिनर करते हैं। तो गाइज अभी डिनर कर लिया और डिनर बहुत टेस्टी था। तो अभी यहाँ पे अर्नब टीवी चला रहा है और पापा यहाँ पे ये देखो ये तैयारी कर रहे हैं, कल कंजका का पूजन होएगा तो यहाँ पे उसकी तैयारी हो रही है, तो हलवा बनेगा तो उसके लिए ड्राई फ्रूट क्रश कर रहे हैं। ये देखो ये कोकोनट है और ये बादाम है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और मैं नहा धो के उठ चुका हूँ, मतलब मैं उठ के नहा धो चुका हूँ। और आज है कंजका पूजन, तो मैंने कल और आज का व्लॉग एक ही व्लॉग में कर दिया है। तो अभी थोड़ी देर में कंजका आएगी, फिर कंजका पूजन होएगा। तो गाइस अभी मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया और अभी कन्या आ गई है। गाइज अभी सारी कंजकाएँ चली गई है और अभी बहुत भूख लग रही है, तो अभी यहाँ पर तो अर्नब लेटा हुआ है क्योंकि इसको चोट लग रही है, तो ये नहा भी नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे नाश्ता करते हैं और नाश्ते में है हलवा पूरी और छोले। तो ये देखो ये है अपना नाश्ता, हलवा पूरी और छोले। तो चलो अब खाते हैं। बस गाइज इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड, और गाइज अभी मैं रावण बनाऊँगा। तो बस गाइज आज कंजका पूजन किया और उसके बाद ही मैंने व्लॉग एंड कर दिया, क्योंकि आज रावण का बहुत सारा काम करना है क्योंकि परसों दशहरा है। तो बस गाइज अभी मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड।